भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला चेन्नई स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। शुरुआती दोनों मैचों में पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित नहीं हुई। फाइनल मैच में एमए चिदंबरम स्टेडियम पर पिच का बर्ताव कैसा होगा, यहां का आउटफील्ड कैसा रहेगा और टॉस जीतकर यहां पर क्या फैसला करना चाहिए, आइए जानते हैं। मुंबई में हुआ पहला मैच भारत ने जीता था। विशाखापट्टनम में हुआ दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर सीरीज में बराबरी कर ली है। अब वनडे सीरीज का निर्णायक मैच बुधवार 22 मार्च को चेन्नई के एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की बल्लेबाजी दोनों मैचों में खराब रही। पहली पारी में जैसे तैसे लक्ष्य तक पहुंची भारतीय टीम दूसरे मैच में 170 रन पर ही ढेर हो गई थी। तीसरा वनडे मैच 22 मार्च को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। इस पिच पर आपको घास भी देखने को मिलेगी, यहां उछाल के साथ गेंदबाजों को गति भी मिलेगी, यहां तेज गेंदबाजों को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर सही लाइन पर गेंद नहीं रही तो इसका फायदा बल्लेबाज भी उठा सकते हैं। वहीं अगर टॉस की बात की जाए तो यहां टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला सबसे सही रहेगा। वैसे पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को चाहिए कि 300 तक का स्कोर खड़ा किया जाए, इससे दूसरी टीम पर दबाव होगा। वैसे यहां 300 तक का लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा, लेकिन पिछले दोनों मैच को देखें तो ये एक अच्छा टोटल रहेगा। मुंबई और विजांग में बल्लेबाजी पिच थी, लेकिन वहां गेंदबाजों का भी बोलबाला था। चेन्नई में भी पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे मैच को कौन जीतेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना।